वेलकम बैक गाइज, वेलकम टू अवर चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा पावर प्लांट की जनरेशन जो होता है वो हमारे सिस्टम में किस तरीके से जनरेट होता है और कैसे हमारी एक इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो बेटा पहले पावर प्लांट्स को समझने से पहले कि थर्मल क्या होता है या हाइड्रो क्या होता है, तो उन सब पे जानने से पहले हम ये समझते हैं कि एक्चुअल में हम जनरेशन कैसे करते हैं, एक्चुअल में हमारे जनरेशन का बिहेवियर कैसा होता है। तो ध्यान से जरा समझना। देखो क्या हुआ कि भाई फाइनली मेरा जो काम है ना, वो मेरा एक काम है कि मुझे एक एनर्जी को प्रोड्यूस करना है। क्या करना है? एनर्जी मुझे प्रोड्यूस करनी है। और जो मुझे एनर्जी चाहिए वो कौन सी एनर्जी चाहिए? सर मुझे इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए। कौन सी एनर्जी चाहिए बेटा? इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए। मतलब आपको बिजली को पैदा करना है। और बिजली क्या है? एक एनर्जी है। बिजली क्या है? एक एनर्जी है। सर मैं बचपन से पढ़ता आ रहा हूं, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि एनर्जी जो है उसको ना तो खत्म किया जा सकता है, ना एनर्जी को बनाया जा सकता है। एनर्जी को तो सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या किया जा सकता है? कन्वर्ट किया जा सकता है। सर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या किया जा सकता है? कन्वर्ट किया जा सकता है। ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। मतलब अगर मुझे इलेक्ट्रिक एनर्जी बनानी है तो क्या मैं इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकता हूं? क्या नहीं कर सकता? क्योंकि सर किसी भी एनर्जी का प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या की जा सकती है? कन्वर्ट की जा सकती है। मतलब अगर मुझे इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए तो ये मुझे किसके क्या करके बनाना पड़ेगा? कन्वर्ट करके बनाना पड़ेगा। मतलब कोई दूसरी एनर्जी मेरे पास इनपुट में होगी और उस एनर्जी को मैं कन्वर्ट करूंगा किसमें? इलेक्ट्रिक फॉर्म में। किसमें कन्वर्ट करूंगा? इलेक्ट्रिक फॉर्म में। सही बात है नहीं है? तो प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे पास में जो कन्वर्जन का काम करता है, वो कन्वर्जन का काम कौन करता है? जनरेटर करता है। कौन करता है? जनरेटर करता है। मतलब हमारे पास में एक ऐसी इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो क्या करती है, जो जनरेटर जो होता है वो क्या करता है? सर ये जो होता है ना, ये मेरी मैकेनिकल इनपुट को कन्वर्ट कर देता है। सर किसमें? इलेक्ट्रिक इन आउटपुट में। मतलब क्या करेगा? अगर आपने इसके ऊपर एक मैकेनिकल एनर्जी को दिया, कौन सी एनर्जी को दिया बेटा? मैकेनिकल एनर्जी को दिया, तो सर वो कन्वर्ट कर देगा इसको। किस में कन्वर्ट कर देगा? इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। क्या इस जनरेटर के पास में एनर्जी प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी होती है? क्या नहीं होती? सर जनरेटर सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का क्या करता है? कन्वर्जेशन करता है। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसे बदलता है। जो आपका इनपुट फॉर्म जो होता है वो आपका कौन सा होता है? मैकेनिकल पावर होती है। और आउटपुट जो होता है वो आपका कौन सा होता है? इलेक्ट्रिक पावर होती है। कौन सी होती है? इलेक्ट्रिक पावर होती है। मतलब मुझे क्या समझ में आ रहा है, ध्यान से समझना, मुझे क्या समझ में आ रहा है? सर मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर मुझे बिजली पैदा करनी है, अगर मुझे बिजली चाहिए तो मुझे दो इंसानों की जरूरत पड़ेगी। किस किस की? सर एक तो मुझे जरूरत पड़ने वाली है जनरेटर की। किसकी जरूरत पड़ने वाली है? जनरेटर की। और एक मुझे किसकी जरूरत पड़ने वाली है? मैकेनिकल एनर्जी की। किसकी जरूरत पड़ने वाली है? मैकेनिकल एनर्जी की। अगर ये दोनों मेरे पास हुए तो मैं इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकता हूं। कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं? बिल्कुल सही बात है। अब इन दोनों में से हम एक एक को पिक कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला भाई मुझे एक किसकी जरूरत है? जनरेटर की जरूरत है। किसकी जरूरत है बेटा आप लोगों को? एक जनरेटर की जरूरत है। अरे सर जब हम मशीन में पढ़ते हैं तो हम जनरेटर के बारे में पढ़ते हैं तो हम अलग अलग तरह की मशीनें देखते हैं। बिल्कुल सही बात है। हम सिंक्रोनस मशीन पढ़ते हैं, हम इंडक्शन पढ़ते हैं, हम डीसी पढ़ते हैं। मतलब अगर मैं जनरेटर की बात करूं तो भी हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में मेरे पास तीन तरह के जनरेटर है। कौन कौन से है? सर मेरे पास में सिंक्रोनस जनरेटर है। बिल्कुल सही बात है बेटा। सर मेरे पास में इंडक्शन जनरेटर है। कौन सा है? इंडक्शन है। और कौन सा है? सर मेरे पास में डीसी जनरेटर है। बेटा मेरे पास कितने जनरेटर है? तीन जनरेटर है। बिल्कुल सही बात है। क्या सर ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकता है? क्या बिल्कुल कर सकता है। अरे भाई जो जनरेटर है तो क्या जनरेटर का काम तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने का है या नहीं है? बिल्कुल सही बात है। तो सर सिंक्रोनस को मैं यूज में ले सकता हूं क्या? बिल्कुल ले सकता हूं। क्या इंडक्शन को ले सकता हूं क्या? बिल्कुल ले सकता हूं। क्या डीसी को ले सकता हूं क्या? बिल्कुल ले सकता हूं। क्योंकि तीनों के तीनों मेरे पास क्या है? जनरेटर है। तीनों के तीनों मेरे पास क्या है? जनरेटर है। क्लियर है नहीं है? तो क्या सर मैं प्रैक्टिकल लाइफ में इन तीनों को यूज में लेता हूं क्या? क्या सर मैं प्रैक्टिकल लाइफ में मेरा जनरेटर इंडक्शन होता है क्या? क्या प्रैक्टिकल लाइफ में मेरा जनरेटर डीसी होता है क्या? तो इन सब चीजों को समझने से पहले आप लोग को एक बात समझ में आनी चाहिए
कि सर जनरेटर जो इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस करके देगा, जनरेटर जो इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस करके देगा तो क्या क्या आपको आउटपुट में देखा? सर जब वो आउटपुट देगा ना तो वो दो चीजें आउटपुट में देगा सर, एक तो वोल्टेज प्रोवाइड करेगा आपको कि कितना ईएमएफ इंड्यूस करके दे रहा है, सही बात है नहीं है, और एक आपको क्या देता है, फ्रीक्वेंसी देता है सर, मतलब सर वो एक तो ईएमएफ इंड्यूस करके देगा, ये ईएमएफ कितना भी हो सकता है सर, 400 वोल्ट हो सकता है, 440 हो सकता है, 500 हो सकता है, कितना भी हो सकता है, क्लियर है नहीं है, और दूसरा क्या देगा सर, फ्रीक्वेंसी देगा। ओहो, अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि सर हमारा इंडिया जो है ना उसमें फ्रीक्वेंसी फिक्स है, हम लोग कितनी यूज कर सकते हैं, 50 हर्ट्ज यूज कर सकते हैं, कितनी यूज कर सकते हैं, 50 हर्ट्ज यूज कर सकते हैं, मतलब सर फ्रीक्वेंसी के ऊपर मेरा क्या लग गया, रेस्ट्रिक्शन लग गया कि मुझे कितनी यूज करनी है, 50 हर्ट्ज यूज करनी है, मतलब एक जनरेटर जो होना चाहिए उसकी जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो एक कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए, और उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 50 हर्ट्ज होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 50 हर्ट्ज होनी चाहिए, ओके। अरे सर जनरेटर का जो आउटपुट होता है, जनरेटर का जो आउटपुट होता है, जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है, ये कौन डिसाइड करता है सर, ये डिसाइड करता है जनरेटर की स्पीड, कौन डिसाइड करता है सर, ये डिसाइड करता है जनरेटर की स्पीड डिसाइड करती है। अगर आपके जनरेटर की स्पीड में और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है सर, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि सर रिलेशन होता है मेरा 120 f/p, बताओ होता है कि नहीं होता है, अरे बताओ होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है सर। अगर मान लो ये मेरे जनरेटर के रोटर की स्पीड है 120 f/p, तो यहां f क्या है सर, ये आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो जनरेटर आपको देगा, ये n क्या है सर, रोटर के रोटेशनल की स्पीड, बिल्कुल सही बात है सर, ये p क्या है सर, ये नंबर ऑफ पोल्स है मेरे जनरेटर के। अब बेटा एक बार तूने जनरेटर बना दिया तो देख ये 120 तो कांस्टेंट तुझे दिख ही रहा है, बिल्कुल सही बात है, नंबर ऑफ पोल एक बार जनरेटर बनने के बाद में तेरे नंबर ऑफ पोल तो कैसे हो चुके हैं, कांस्टेंट हो चुके हैं, तो क्या तू ये बोल सकता है कि सर अगर मुझे कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी आउटपुट में चाहिए तो रोटर की स्पीड भी मुझे कैसी चाहिए, कांस्टेंट चाहिए, कैसी चाहिए, कांस्टेंट चाहिए, मतलब सर अगर मुझे, मैं चाहता हूं कि मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी रहे, 50 हर्ट्ज रहे, मतलब फ्रीक्वेंसी कैसी रहे, कांस्टेंट रहे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर, मेरी स्पीड जो रहेगी उसे भी मुझे क्या बनाना पड़ेगा, कांस्टेंट बनाना पड़ेगा, वैसा कैसा बनाना पड़ेगा, कांस्टेंट बनाना पड़ेगा, फिक्स बनाना पड़ेगा। अब जरा सोचिए ध्यान से सर, मेरे पास तीन तरह के जनरेटर है, कितने जनरेटर है बेटा, तीन तरह के जनरेटर है सर, मेरे पास इंडक्शन है, इंडक्शन है आपके पास में, और कौन सा है सर, सिंक्रोनस है, बिल्कुल सही बात है, और कौन सा है सर, डीसी है सर। डीसी जनरेटर का तो जो आउटपुट होता है ना, ये आउटपुट मेरा कैसा होता है सर, डीसी होता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में मेरे घर में जो बिजली आती है वो कैसी होती है, एसी होती है, कैसी होती है, एसी होती है सर, मुझे एसी पावर का क्या करना है, प्रोडक्शन करना है, तो क्या उसके लिए मैं डीसी जनरेटर यूज में लूंगा क्या, नहीं लूंगा, क्या यही यूज में लूंगा क्या, नहीं लूंगा, क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि सर ये तो डीसी पावर आउटपुट देता है, लेकिन मुझे कैसा चाहिए पावर, एसी चाहिए, ओके। तो अब अगर मैं बात करूं इंडक्शन की और सिंक्रोनस की, तो सर इंडक्शन की आउटपुट पावर भी एसी होती है और सिंक्रोनस की आउटपुट पावर भी एसी होती है, लेकिन दोनों में फर्क क्या होता है सर, दोनों में फर्क ये है कि अगर कोई जनरेटर सिंक्रोनस जनरेटर है तो उसके रोटेशनल की स्पीड जो होती है वो एक फिक्स स्पीड होती है, और वो स्पीड मेरी कितनी होती है, सिंक्रोनस स्पीड होती है। अरे सर मैं एक सिंक्रोनस जनरेटर की बात करूं तो मैं क्या बोल सकता हूं सर, मैं ये बोल सकता हूं कि इसके रोटर की जो स्पीड होती है वो हमेशा किसके बराबर होती है, सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होती है, और ये कैसी होती है बेटा, फिक्स होती है। अरे मैंने अभी अभी क्या देखा कि अगर मुझे फ्रीक्वेंसी फिक्स चाहिए, अगर मुझे फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट चाहिए, तो मेरी स्पीड भी कैसी होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए, स्पीड भी कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो क्या ये सिंक्रोनस जनरेटर मुझे कांस्टेंट स्पीड दे रहा है क्या, बिल्कुल दे रहा है। तो क्या आउटपुट फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी क्या, बिल्कुल होने वाली है, मतलब सिंक्रोनस ने मेरा काम बना दिया, इसकी आउटपुट पावर भी ऐसी है और आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो है वो भी कैसी है, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी है, एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी है या नहीं है। तो मतलब मेरा सिंक्रोनस जनरेटर काम में लूंगा मैं, क्या मैं इंडक्शन को काम में ले सकता हूं क्या सर, इसकी भी तो आउटपुट जो पावर होती है वो एसी ही होती है, सही बात है,
लेकिन एक इंडक्शन जनरेटर क्या होता है? सर, इंडक्शन जनरेटर वो होता है जब इसके रोटर की जो स्पीड हो, अगर वो किससे ज्यादा हो जाए, सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा हो जाए, तो आपका जो इंडक्शन मशीन होती है वो क्या बन जाती है? एक जनरेटर बन जाती है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि रोटर की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, किससे? सिंक्रोनस स्पीड से। लेकिन कितनी होनी चाहिए? कोई पता नहीं है। कितनी होनी चाहिए? कोई भी पता नहीं है। मान लो मैंने बोला मेरी सिंक्रोनस स्पीड कितनी थी, 1000 आरपीएम थी। अब आपके रोटर की स्पीड क्या होनी चाहिए? इससे ज्यादा होनी चाहिए। मतलब इससे ज्यादा होनी चाहिए तो 1100 भी हो सकती है, इससे ज्यादा होनी चाहिए तो 1200 भी हो सकती है, 1150 भी हो सकती है। हो सकती है कि नहीं हो सकती है? बिल्कुल सही बात है। तो रोटर की स्पीड ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। अब कोई सी भी रोटर की स्पीड हो, ये सब क्या बनाएंगे? सर, जनरेटर बनाएंगे। लेकिन क्या बेटा, अलग अलग स्पीड होने से क्या फ्रीक्वेंसी अलग अलग आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। मतलब सर, इंडक्शन जनरेटर जो होता है वो भी आउटपुट में पावर तो एसी ही देता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी कैसी होती है? वेरिएबल होती है, क्योंकि वहां पे आपके रोटर की स्पीड जो होती है वो सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा होती है, लेकिन कितनी भी हो सकती है। मतलब 1000 से ज्यादा लेनी है तो 1100 भी हो सकती है, 1200 भी हो सकती है, 1150 भी हो सकती है। क्लियर है? नहीं है तो फ्रीक्वेंसी में क्या आएगा? वेरिएशन आएगा। मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में मुझे एक इलेक्ट्रिक पावर का जनरेशन करने के लिए मुझे जिस जनरेटर की जरूरत पड़ेगी वो कौन सा होने वाला है? सर, सिंक्रोनस जनरेटर। क्लियर है या नहीं है? बिल्कुल सही बात है बेटा। मतलब यहां से आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि प्रैक्टिकल लाइफ में हम जो पावर को जनरेट करने में यूज में लेते हैं, वहां पे हमारा जो जनरेटर जो हम इंस्टॉल्ड करते हैं, वो जनरेटर हमारा कौन सा होता है? सिंक्रोनस जनरेटर होता है। सबके क्लियर है ये? कौन सा जनरेटर होता है? सिंक्रोनस जनरेटर होता है। ठीक है सर, तो मेरा जनरेटर कौन सा हो गया? सिंक्रोनस जनरेटर हो गया। अब देख बेटा, ध्यान से समझ, आपको दो चीज चाहिए थी। एक चाहिए था सिंक्रोनस जनरेटर, एक जनरेटर चाहिए था, आपने चूज कर लिया सिंक्रोनस चाहिए। दूसरा आपको क्या चाहिए? मैकेनिकल इनपुट। क्या चाहिए? मैकेनिकल इनपुट। अरे सर, मैकेनिकल इनपुट क्या होना चाहिए? अरे बेटा, आप लोगों ने अगर जनरेटर के बारे में पढ़ा होगा, जब आप लोगों ने मशीन पढ़ी होगी तो आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा कि सर हम जनरेटर को कैसे बनाते हैं? कि सर हम पहले क्या करते हैं, टर्बाइन को घुमाते हैं, टर्बाइन के पंखे को घुमाते हैं, जिससे मेरा रोटर घूमता है, और उस रोटर के घूमने की वजह से सर ईएमएफ इंड्यूस होता है। किसके ऊपर? स्टेटर के ऊपर। और वो ईएमएफ भार आपको क्या करता है? एक इलेक्ट्रिक पावर या सप्लाई का क्या करता है? प्रोवाइड करता है। और उसको आप क्या लेते हो? आउटपुट में काम में ले लेते हो। मतलब आपने इनपुट में क्या किया? इनपुट में क्या किया आपने? सर, इनपुट में मैंने टर्बाइन को घुमाया है, मैंने रोटर को घुमाया है, तो उसके लिए हम क्या देते हैं? मैकेनिकल इनपुट देते हैं। अरे आप लोग पढ़ते थे, कभी हम पानी गिराते थे, कभी हम कोयला जलाते थे। जलाते थे कि नहीं जलाते थे? सही बात है, नहीं है? मतलब आपको एक मैकेनिकल इनपुट देना है। अब वो मैकेनिकल इनपुट कुछ भी हो सकता है। पानी की वजह से हो सकता है, कोयले की वजह से हो सकता है, हवा की वजह से हो सकता है। क्लियर है? नहीं है? सौर एनर्जी की वजह से हो सकता है, सोलर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैकेनिकल इनपुट, बस आपने फोर्स लगा के क्या करना है? टर्बाइन को घुमाना है। क्लियर है? नहीं है? तो जो आप इनपुट के लिए यूज में लोगे, उसी हिसाब से आपके पावर प्लांट्स के क्या हो जाएंगे? क्लासिफिकेशन हो जाएंगे। मतलब पावर प्लांट्स कितने तरह के होते हैं, अलग अलग कौन कौन से होते हैं, तो ये किसके ऊपर डिपेंडेंसी आ जाती है? ये आ जाती है आपके मैकेनिकल इनपुट के लिए, कि बेटा आप टर्बाइन को घुमाने के लिए कौन सा मैकेनिकल इनपुट काम में ले रहे हो। क्लियर है कि नहीं है? चले जरा आगे। ऐसा डायग्राम देखा होगा आप लोगों ने, ये डायग्राम देखा होगा, ऐसा देखा है कि नहीं देखा है? ओके, आप लोगों ने जनरेटिंग पावर प्लांट्स के ऐसे प्लांट देखे होंगे। ऐसे आपके क्या होते हैं? पावर प्लांट्स होते हैं, चिमनियां होती है, यहां से धुआं निकलता है खतरनाक तरीके से। क्लियर है? आप लोगों ने एक चीज और नोटिस की होगी कि जहां भी पावर प्लांट लगते हैं उसके आसपास बहुत बड़े रीजन में पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। क्लियर है? नहीं है? क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि सर बहुत सारा धुआं निकलता है, तो ये जो होता है ये आसपास के एनवायरमेंट को खराब करने की कोशिश करता है, और हमें पौधे तो लगाने जरूरी है ताकि हमारे धुआं को ये थोड़ा क्या कर सके? कंपनसेट कर सके, वहां के एनवायरमेंट को थोड़ा क्या कर सके? क्लीन कर सके। क्लियर है कि नहीं है? तो अब हम आगे पढ़ते हैं, किसके हिसाब से पढ़ेंगे? मैकेनिकल इनपुट के हिसाब से, कि सर मैं कौन कौन सा मैकेनिकल इनपुट यूज में लूंगा, किसके लिए? टर्बाइन को घुमाने के लिए। क्लियर है कि नहीं है? चले बेटा जरा आगे। ओके,
तो सर पावर प्लांट्स, ओके, तो पावर प्लांट्स ने क्या करना है मेनू, देखो जरा ध्यान से समझते हुए चलो। सर पावर प्लांट्स आर द मेन इक्विपमेंट्स दैट यूज टू क्या करने के लिए, जनरेट द इलेक्ट्रिक पावर। सर पावर प्लांट वो होते हैं जो पावर को क्या करते हैं, जनरेट करने का काम करते हैं। ओके क्या करते हैं, इट्स कन्वर्ट मैकेनिकल पावर को किसमें कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट करते हैं। और जो काम ऐसा करता है उसी डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, जनरेटर बोलते हैं। और सर पावर प्लांट में हम कौन सा जनरेटर यूज में लेते हैं, सिंक्रोनस जनरेटर यूज में लेते हैं बेटा। कौन सा लेते हैं, सिंक्रोनस जनरेटर यूज में लेते हैं। आगे चलो, तो कौन सा यूज में लेंगे, सिंक्रोनस जनरेटर इज यूज टू जनरेट द पावर इन द पावर प्लांट। आपको रीजन समझ में आ गया होगा कि सिंक्रोनस जनरेटर क्यों यूज में लेते हैं, बिकॉज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी हमें कैसी रखनी है, फिक्स रखनी है। और कितनी रखनी है, 50 हर्ट्ज रखनी है। मेरे घर में आने वाली फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, 50 हर्ट्ज होनी चाहिए। ओके आगे चलो, तो फॉर द रोटेशन ऑफ द टर्बाइन क्या करना है मुझे, अरे सर दो चीजों की जरूरत थी, किस किस की, एक इनपुट चाहिए था मुझे जो क्या होता है, मैकेनिकल पावर होती है, होती है कि नहीं होती है, बिल्कुल सही बात है। और क्या चाहिए था, जनरेटर, जनरेटर हमने डिसाइड कर लिया। अब आपने क्या करना है, टर्बाइन को घुमाना है। तो सर टर्बाइन को घुमाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई सोर्स ऑफ एनर्जी लगाना पड़ेगा, और वो आपका कौन सा होता है, सर मैकेनिकल पावर हो सकती है। सर ये मैकेनिकल पावर जो है आप पानी से प्रोड्यूस कर सकते हो, कोयले से प्रोड्यूस कर सकते हो, हवा से प्रोड्यूस कर सकते हो, क्लियर है, नहीं है, सोलर एनर्जी से प्रोड्यूस कर सकते हो। जे अलग अलग टाइप से प्रोड्यूस करने पे पावर प्लांट का क्लासिफिकेशन भी उसी हिसाब से हो जाएगा। तो पावर प्लांट का क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग किया जाता है, तो वो किया जाता है अकॉर्डिंग टू योर मैकेनिकल इनपुट पावर। ओके कि आप कौन सा आपका जो फ्यूल है यूज में ले रहे हो मैकेनिकल पावर प्रोवाइड करने के लिए। देखो बेटा जैसे आप बाइक चलाते हो नहीं चलाते हो, तो उसमें आप फ्यूल के लिए क्या डालते हो, पेट्रोल डालते हो तभी आपका इंजन वर्क करता है ना उसका, तो वो इनपुट के रूप में क्या ले रहा है, पेट्रोल ले रहा है, उससे क्या करता है वो एनर्जी लेता है, यही काम करता है। तो एक जनरेटर जब इलेक्ट्रिक पावर बनाएगा तो उसके लिए भी तो मुझे उसमें एनर्जी डालना पड़ेगा। अब वो एनर्जी आपका कोयला हो सकता है, पानी हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अलग अलग टाइप के ये जो आपके इनपुट्स यूज में लेते हैं उसी हिसाब से अलग अलग तरीके से क्या हो जाता है, क्लासिफिकेशन हो जाता है। जैसे हम हमारी कार वगैरह के लिए बोलते हैं, डीजल वाली कार, पेट्रोल वाली कार बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो कई में आपके सोर्स किसके क्या यूज में ले रहे हो, आप डीजल ले रहे हो, कई में इनपुट के लिए क्या ले रहे हो, पेट्रोल ले रहे हो, और अभी तो आपके एलपीजी वगैरह वाली भी आ चुकी है, तो इस हिसाब से इनके क्या हो जाते हैं, क्लासिफिकेशन हो जाते हैं। क्लियर है, चले आगे, अरे बिल्कुल चले। ओके देखो द सोर्स ऑफ एनर्जी, तो आपके जो एनर्जी के सोर्स होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। देखो इसको थोड़ा समझने में ना आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं है, कौन कौन से होते हैं। तो सर एक होता है हमारे नॉन कन्वेंशनल टाइप और एक होते हैं आपके कन्वेंशनल टाइप। सर ये नॉन कन्वेंशनल क्या है, सर ये कन्वेंशनल क्या है, ध्यान से समझ ले। दो सोर्स अगर आप लोगों ने हिंदी में कभी सुना हो तो आप बोलते हो अपरंपरागत और परंपरागत, बोलते हो नहीं बोलते हो, तो वही वाले हैं ये, नॉन कन्वेंशनल और कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल टाइप के सोर्स मतलब वो सोर्स है जो आपके कभी खत्म नहीं होते हैं जिंदगी में, जैसे हवा हमेशा चलेगी, पानी हमेशा रहेगा, सूर्य का प्रकाश हमेशा रहेगा, क्लियर है। तो ये सोर्स कैसे हुए, नॉन कन्वेंशनल टाइप सोर्स हुए। लेकिन कोयला, अब क्या है देखो, लकड़ी थी, लकड़ी को आपने जलाया और जला के क्या बना दिया, कोयला बना दिया। तो प्राइमरी चीज क्या हुई, प्राइमरी चीज हुई लकड़ी, उसको तुमने जला के क्या बना दिया, कोयला। तो कोयला क्या हो गया, एक सेकेंडरी फ्यूल हो गया, क्या हो गया, एक सेकेंडरी फ्यूल हो गया। लेकिन जैसे जैसे तुम कोयले को यूज में लेते जाओगे धीरे धीरे कोयला क्या होता जाएगा, खत्म होता जाएगा। मतलब कन्वेंशनल टाइप के जो सोर्स होते हैं वो सेकेंडरी टाइप के सोर्स होते हैं। जैसे प्राइमरी टाइप का सोर्स क्या हो गया, लकड़ी हो गया, लेकिन सेकेंडरी टाइप का सोर्स क्या हो गया, कोयला हो गया, क्योंकि तुमने लकड़ी से क्या बनाया है, कोयला बनाया है। लेकिन तुम कोयले को अगर तुम यूज में लोगे तो कोयले से तुम्हें अच्छी खासी एनर्जी मिलेगी, ये बात सही है, लेकिन वो फिक्स है ना। अरे कोयले के भी आपके भंडार है, वो फिक्स है ना, आप उसमें से कोयला निकालते जाओगे तो एक टाइम तो ऐसा आएगा जिस दिन तुम्हारा कोयला खत्म हो जाएगा। बताओ आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर आप पेट्रोल को यूज में लिए जा रहे हो तो एक दिन तो ऐसा आएगा कि आपका पेट्रोल खत्म हो जाएगा। अरे क्या हमेशा पेट्रोल रहेगा क्या, नहीं रहेगा।
आप कंटिन्यूसली तरीके से एलपीजी वगैरह को यूज में लोगे तो ये भी तो खत्म हो जाएगी एक दिन, नहीं होएगी क्या? एलपीजी वगैरह कहां से निकलती है? जब आप पेट्रोल वगैरह निकालते हो तो उसके साथ में आपकी कई गैसेज निकलती है और वही गैसेज आपकी एलपीजी सीएनजी वगैरह होती है। तो ये जो पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, आपकी गैसेज हो गई, ये सारी की सारी जो है ना ये लिमिटेशन फॉर्म में है। कैसी है ये? लिमिटेशन फॉर्म में है। तो ये आपके कौन से सोर्स कहलाते हैं? ये आपके कहलाते हैं कन्वेंशनल सोर्स। कौन से सोर्स कहलाते हैं? कन्वेंशनल सोर्स। और या इनको क्या बोल सकते हो? सेकेंडरी सोर्स भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? सेकेंडरी सोर्स भी बोल सकते हो। जैसे आपका कोयला है तो वो किससे बना है? लकड़ी से बना है, तो लकड़ी क्या हो गया? प्राइमरी सोर्स हो गया। क्लियर है? नहीं है। सेकेंडरी सोर्स कौन हुआ? कोयला हो गया। क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है। लेकिन नॉन कन्वेंशनल क्या होते हैं? सर नॉन कन्वेंशनल है जैसे आपका क्या है? सोलर एनर्जी है, सूर्य का प्रकाश है, हवा है, विंड एनर्जी है। अब ये क्या है? ये हमेशा चलती रहेगी, ये लाइफ टाइम है, इनका कोई दूसरा कोई अलग से रूप नहीं है। सूर्य एनर्जी है, तुमने डायरेक्ट उससे कंज्यूम कर लिया, सोलर प्लेट आपने बनाई और उससे आप क्या कर रहे हो? बिजली पैदा कर रहे हो। तो ये भी एक तरह का प्लांट हो सकता है। लेकिन अभी हम अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो आप लोगों ने इंडिया में या बाहर की भी अगर बात करो तो जितने भी टाइप के अगर आप लोगों ने पावर प्लांट देखे होंगे तो उनमें अधिकतर मैक्सिमम पावर प्लांट जो है वो आपके थर्मल पावर प्लांट है। कौन से है? थर्मल पावर प्लांट है। अब थर्मल पावर प्लांट में हम फ्यूल के लिए जो यूज में लेते हैं वो यूज में लेते हैं हम कोयला। क्या यूज में लेते हैं? कोयला। अब कोयला कौन सा सोर्स है? सर कोयला सोर्स है कन्वेंशनल टाइप का। कौन सा है बेटा? कन्वेंशनल टाइप का। अब कन्वेंशनल टाइप का सोर्स है अगर कोयला और अगर तुम उसे यूज में लेते जाओगे तो एक दिन तो तुम्हारा कोयला खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। फिर किससे बनाओगे बिजली? भाई जब कोयला खत्म हो जाएगा तो किससे बनाओगे बिजली? आपको पता है ना, रिसेंटली आप न्यूज वगैरह में देखते होंगे कि वर्तमान टाइम में हमारा जो इंडिया है, इस इंडिया के पास में कोयले की कमी होना शुरू हो चुकी है, अभी से होना शुरू हो चुकी है। तो कोयले की कमी होना शुरू हो गई है। अब इंडिया क्या कर रहा है? अब इंडिया वापस से भग रहा है किसके पास में? सोलर एनर्जी के पास में, विंड एनर्जी के पास में। मतलब अब बिजली को प्रोड्यूस करने के लिए या बिजली जनरेट करने के लिए अब जो नए पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं वो सारे के सारे पावर प्लांट या तो आपके सोलर एनर्जी वाले लगाए जा रहे हैं या कौन से लगाए जा रहे हैं? विंड एनर्जी वाले लगाए जा रहे हैं, ताकि वो जो है वो कौन से सोर्स है? वो नॉन कन्वेंशनल सोर्स है, वो लंबे टाइम के लिए चलेंगे, क्योंकि आपका जो धूप है वो तो हमेशा रहने वाली है, हवा तो हमेशा रहने वाली है। क्लियर है कि नहीं है? तो आपके अभी बिजली का काफी ज्यादा प्रॉब्लम होना शुरू हो चुका है क्योंकि थर्मल पावर प्लांट्स में कोयले की क्या कमी पड़ने लग गई है? कमी होने लग गई है। क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि धीरे धीरे तो कोयला खत्म होना है ना बेटा। बिल्कुल सही है। चले आगे, आगे चले तो दो तरह के सोर्स हो गए सर मेरा, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। देखो नॉन कन्वेंशनल सोर्स टाइप तो इनको क्या कह सकते हैं? सर ये मेरे प्राइमरी सोर्स टाइप है। क्लियर है कि नहीं है? और ये आपके नॉन कन्वेंशनल मतलब अपरंपरागत, हमेशा चलते रहेंगे सर, कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। जैसे आपका सूर्य हो गया, क्लियर है, सन हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, आपके बायोमास हो गया, आपका विंड हो गया, आपका वाटर हो गया, आपका ये समझते हो ना टिडर, इसको बोलते हैं ज्वार भाटा। क्लियर है? नहीं है? जो आप लोग समुद्र वगैरह में जो एकदम से ज्वार भाटा आता है, बहुत ऊंची लहरें आती है, उनमें भी काफी एनर्जी होती है, तो उसकी एनर्जी को भी आप एक मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में यूज में ले सकते हो। बट अभी प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे ये जो एनर्जी है इसको हम इतना यूज में नहीं लेते हैं, इसके पावर प्लांट अभी तक हमारे नहीं है। लेकिन अभी जो मेन फोकस में है, अभी हमारे इंडिया के जो मेन फोकस में है वो दो चीजें हैं, एक ये विंड और एक ये सन। क्लियर है? नहीं है? तो अब जितने भी पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं वो सोलर एनर्जी के लगाए जा रहे हैं या आपके विंड एनर्जी वाले लगाए जा रहे हैं, ताकि हमारे सिस्टम में आगे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। क्लियर है? नहीं है? तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स टाइप आपको समझ में आ गया होगा, इसको क्या भी कहते हैं? प्राइमरी सोर्स टाइप भी कहा जाता है, या नेचुरल सोर्स भी कह सकते हैं इनको। सूर्य नेचुरल सोर्स है। क्लियर है कि नहीं है? इसी तरीके से अगर कन्वेंशनल की बात करो तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, कोयला कन्वेंशनल है, पेट्रोलियम कन्वेंशनल है, नेचुरल गैसेज जो है वो आपकी कैसी है? कन्वेंशनल है, एलपीजी। क्लियर है कि नहीं है? तो वो सब आपकी क्या है? कन्वेंशनल सोर्स है। तो ये कौन से होते हैं? ये होते हैं आपके सेकेंडरी टाइप के सोर्स। कौन से होते हैं? सेकेंडरी सोर्स भी इनको कहा जा सकता है। लेकिन खास बात यह होती है कि कन्वेंशनल सोर्स के पास में एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, कोयले के पास में बहुत जबरदस्त एनर्जी है, उसको जलाओगे तो जबरदस्त आपको हीट मिलेगी, सूर्य से एनर्जी मिलेगी तो पृथ्वी तक बहुत धीरे धीरे मिलेगी। सही बात है नहीं है? इसलिए पहले हमारे पास कोयला बहुत ज्यादा था तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना फटाफट से बिजली बनाई जाए, तो हम लोगों ने ये यूज में ले लिया। अब जब बहुत सारी चीजें होती है
तो हम ये नहीं सोचते कि ये एक दिन खत्म हो जाएगा, है बस बनाते गए, अब धीरे धीरे कोयला क्या हो गया है, खत्म हो गया है, तो अब उसका प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो चुका है। तो लाइक ए कोल हो गया, वुड हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैसेज हो गई, सही बात है कि नहीं है। तो ये आपका जो सिस्टम है उसमें दो तरह के सोर्स हो गए, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। एक ये मैंने आपको लोगों के लिए एक अलग से एक स्लाइड लेके आ रहा हूं मैं, ठीक है, ध्यान से समझना। सर जनरेटर तो मुझे पता लग गया, सिंक्रोनस जनरेटर यूज में लेना है, इनपुट में मुझे मैकेनिकल पावर यूज में लेनी है। अब मुझे यह भी पता लग चुका है कि जिस तरह का मेरा सोर्स होगा, जैसे अगर मैंने कोयला यूज लिया फ्यूल के लिए तो थर्मल पावर प्लांट हो जाएगा, मैंने पानी लिया हाइड्रो पावर प्लांट हो जाएगा, मैंने कोई न्यूक्लियर आइटम लिया तो न्यूक्लियर पावर प्लांट हो जाएगा, मैंने सूर्य की बिजली ली तो मैं सोलर एनर्जी वाला है सोलर पावर प्लांट बोल दूंगा, मैंने विंड ली तो विंड एनर्जी पावर प्लांट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो जिस तरह का मेरा फ्यूल होगा उसी तरह का मेरा क्या होगा, पावर प्लांट होगा। मतलब पावर प्लांट के क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग होंगे, फ्यूल के अकॉर्डिंग होंगे, सही बात है कि नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखो जरा ध्यान से, ये आपका टर्बाइन है। टर्बाइन का क्या मतलब है, टर्बाइन होता है एक पंखा, फैन है एक, जैसे ये एक फैन में क्या होती है, इस तरीके से पंखुड़ियां होती है। अब आप क्या क्या कर सकते हो, एक तो आप ये कर सकते हो कि सपोज दैट ये दो पंखुड़ियां हैं, आप लोगों ने क्या किया, यहां से बहुत तेजी से इसके ऊपर पानी गिराया, पानी गिराया तो इस पंखुड़ी के ऊपर पानी गिरा, तो इसने फोर्स लगाया यू, ये आगे घुमा ऐसे, ये आगे घुमा ऐसे, एक तो ये कर सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हो, आप हाईली प्रेशर से, हाईली प्रेशर या हाईली एनर्जी वाली कोई हवा या गैस इसके ऊपर फ्लो करा सकते हो, वो गैस भी क्या करेगी, इस फैन के से टकराएगी और इसको क्या करने की कोशिश करेगी, घुमाने की कोशिश करेगी। मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में फ्यूल आपका कुछ भी है, कोयला है, पेट्रोल है, कुछ भी है, उस कोयला पेट्रोल वगैरह से इस फैन को घुमाने के लिए आप गैस का प्रोडक्शन कर सकते हो, या आप किसी स्टीम मतलब होता है धारा, या किसी धारा का यूज कर सकते हो, किसी स्टीम बना सकते हो। तो आप दो काम कर सकते हो, गैस बना सकते हो या क्या बना सकते हो, स्टीम बना सकते हो। अब स्टीम के लिए तुम्हें किसकी जरूरत पड़ेगी, पानी के लिए। अरे भाई अगर तुमने एक स्टीम बनाई है, एक धारा बना रहे हो, तुम एक पानी गिरा रहे हो, एक जबरदस्त एनर्जी वाला पानी अगर तुम टर्बाइन के ऊपर गिरा रहे हो उसे घुमाने के लिए, तो तुम्हें किसकी जरूरत पड़ेगी, पानी की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, पानी की जरूरत पड़ेगी। अगर तुम गैस गिरा रहे हो तो तुम्हें सीधी एक जबरदस्त एनर्जी वाली किसकी जरूरत पड़ेगी, हवा की जरूरत पड़ेगी, एक हाई प्रेशर वाली हवा की जरूरत पड़ेगी, सही बात है कि नहीं है। तो ये इस तरीके से दो तरह के आपके टर्बाइन होते हैं, एक होता है आपका गैस टर्बाइन और एक होता है आपका स्टीम टर्बाइन, क्लियर है नहीं है। गैस टर्बाइन मतलब जिसको रोटेट कराने के लिए हम गैस का यूज में ले रहे हैं, एक स्टीम टर्बाइन मतलब उसको रोटेट कराने के लिए हम किसका यूज में ले रहे हैं, स्टीम का यूज ले रहे हैं। वैसे ये दोनों चीजें हैं, ये आप लोगों के लिए एडिशनली है, लेकिन फिर भी ध्यान से समझ लेना और आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, क्लियर है कि नहीं है। चले जरा आगे, अब ध्यान से सुनो क्या दोनों में क्लासिफिकेशन है। तो ये ध्यान रखना कि द कैपिटल एंड द रनिंग कॉस्ट इज लो, मतलब गैस टर्बाइन जो होता है उसमें बेटा ना देखो, स्टीम टर्बाइन में क्या होगा, जैसे मैंने बोला मेरे पास एक थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है, और आप लोगों ने वहां पर जो टर्बाइन यूज कर रखी है वो टर्बाइन आपकी कौसी है, सपोज दैट वो आपकी स्टीम टर्बाइन है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा स्टीम बनाने के लिए, कोयले को जलाओगे, पानी को लेके आओगे, पानी को गर्म करोगे, जबरदस्त गर्म करने के बाद में एक हाईली एनर्जी और हाईली प्रेशराइज एक स्टीम बनाओगे, वो स्टीम आगे जाएगी और वो स्टीम आगे जाके फिर क्या करेगी, टर्बाइन को घुमाएगी। तो आपको एक बड़े सेटअप की जरूरत पड़ेगी, आपको पानी की जरूरत पड़ेगी, आपको कोयला जलाने के लिए बॉयलर की जरूरत पड़ेगी, फिर उसको आगे भेजोगे, फिर स्टीम को घुमाओगे। तो मतलब स्टीम पावर प्लांट होते हैं ये काफी बड़े होते हैं, जबकि गैसेज पावर प्लांट होते हैं ये छोटे से होते हैं। अब अगर बड़े को इंस्टॉल करना है तो तुम्हें ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, इनिशियल कॉस्ट उसकी ज्यादा हो जाएगी, लेकिन अगर तुम्हें गैसेज पावर प्लांट लगाने हैं तो वो छोटा सा भी लग जाएगा, तो उसकी जो आपके प्रैक्टिकल लाइफ में जो उसका इनिशियल कॉस्ट होता है वो भी आपका कैसा होता है, कम होता है। लेकिन सर आप एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं एक गैसेज पावर प्लांट के लिए और एक स्टीम पावर प्लांट के लिए, तो दोनों में से ज्यादा एनर्जी किसके पास होती है, तो बेटा ज्यादा एनर्जी होती है वो होती है स्टीम के पास में। अरे भाई जहां ज्यादा खर्चा कर रहे हो, तुम एक पानी बना रहे हो और वो खतरनाक एनर्जी वाला है और वो जाके उस सिस्टम को घुमा रहा है, तो वो एक हाईली एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा, जबकि गैसेस जो होता है वो कम एनर्जी वाले पावर प्लांट्स के लिए यूज में लेते हैं। तो प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे अधिकतर जितने भी पावर प्लांट होते हैं वो अधिकतर हमारे कौन से होते हैं, स्टीम पावर प्लांट वाले होते हैं। लेकिन अगर मैं एक गैसेज पावर प्लांट वाला बनाऊं
तो गैसेज वाले पावर प्लांट के लिए पहली चीज तो मुझे पानी की जरूरत नहीं है, दूसरी चीज मुझे उसको लगाने के लिए पावर प्लांट बनाने के लिए बहुत कम पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो इनिशियल कॉस्ट मेरा काफी ज्यादा कम होने वाला है, वो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, तो उसके लिए रिक्वायर्ड जो स्पेस होगा वो स्पेस भी आपका कैसा होगा, कम होगा, सही बात है नहीं है। लेकिन ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए तो इन दोनों में से मैं किसको यूज लूंगा, सर स्टीम को ही यूज में लूंगा, किसको यूज में लूंगा, स्टीम को ही यूज में लूंगा। तो प्रैक्टिकल लाइफ में जो मेरे थर्मल पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये आपके अधिकतर कौन से होते हैं, तो सर ये हमारे होते हैं स्टीम पावर प्लांट, मतलब मैं पैसा भी इनके ऊपर अच्छा खासा लगाता हूं, इनके पास में पानी का फ्लो भी होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, इनके लिए रिक्वायर्ड एरिया भी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसे नहीं बनाना, इनिशियल कॉस्ट से मुझे कोई मतलब नहीं है, इनिशियल कॉस्ट मेरी ज्यादा लग रही है, एक बार लगाने पे मुझे ज्यादा लगा दिया, लेकिन कम से कम ये तो तसल्ली रहेगी ना कि वो एक हाईली लोड को भी क्या करा सकेगा, सेटिस्फाई करा सकेगा। मतलब हम ये अपने दिमाग में लगा के चलते हैं कि जितना पैसा लगाना है एक बार लगा दो, उसके बाद तो कम से कम तसल्ली रहेगी, सही बात है नहीं है। तो अधिकतर एडवांटेज किसके होते हैं, गैस के होते हैं, लेकिन स्टीम के पास एक एडवांटेज है कि ये कितने भी लोड को सेटिस्फाई करवा सकता है, अधिक से अधिक लोड को भी ये एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि इसके पास एक हाईली एनर्जी होती है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, स्टीम होता है, क्या होता है, स्टीम होता है। तो पहली बात तो कैपिटल एंड द रनिंग कॉस्ट जो होती है तो ज्यादा किसके रहने वाली है, सर उसको चलाने के लिए जो ज्यादा कॉस्ट की जरूरत पड़ेगी वो तो स्टीम में पड़ेगी, तो मतलब गैसेज की क्या होती है, कम होती है। तो सारी चीजें वही है जो मैंने बताई है, द स्पेस रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट इज लेस, बिल्कुल सही बात है, स्टार्टिंग ऑफ द प्लांट इज मोर इजी, बिल्कुल सही बात है, द कंट्रोल ऑफ द प्लांट इज मच ईजियर, बिल्कुल सही बात है, एंड द प्लांट कैन बी इंस्टॉल्ड एनी वेयर एज द कूलिंग वाटर इज नॉट रिक्वायर्ड, पानी की जरूरत नहीं है गैसेज वाले में, लेकिन स्टीम वाले में जरूरत है, बिल्कुल है। द फ्यूल इज द मेनली कंपोज ऑफ, ये लाइन अलग है उनसे अलग है, फ्यूल कौन कौन सा हो सकता है, सर फ्यूल जो हो सकता है वो पानी भी, अगर मैं हाइड्रो की बात करूं तो हाइड्रो में फ्यूल क्या होता है, पानी होता है, वाटर होता है, ठीक है। मैं न्यूक्लियर की बात करूं तो वहां न्यूक्लियर होता है, यूरेनियम वगैरह होता है, नहीं होता है। लेकिन अगर मैं थर्मल की बात करूं तो थर्मल में मेरा क्या होता है, कोयला होता है, कोल, क्या होता है, कोयला होता है। और प्रैक्टिकल लाइफ में मेरे पास जो सबसे ज्यादा पावर प्लांट है, अप्रोक्सीमेटली 70%, अप्रोक्सीमेटली कितने 70% जो पावर प्लांट है वो कौन से है मेरे, कोल वाले पावर प्लांट है, मतलब थर्मल पावर प्लांट है। एक कोयला जो होता है किसका मिक्स होता है, कोयले में क्या क्या होता है, कोयले में कार्बन होता है और क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। मतलब आपका जो मेजरली जो फ्यूल है जो हम यूज में लेते हैं कोयला, ये अधिकतर किसका कंबेंशन होता है, तो ये बेटा आपके हाइड्रोजन और कार्बन का मिश्रण होता है, एक क्लियर है नहीं है। तो मतलब आप एनर्जी जो प्रोड्यूस कर रहे हो, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जो आप फ्यूल यूज में ले रहे हो, उस फ्यूल में बेसिकली आपका क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन के मिक्सेज होते हैं, क्लियर है नहीं है। जैसे अगर मान लो आप लोगों ने कोई गैस यूज ली, पेट्रोलियम यूज में ले रहे हो, तो पेट्रोलियम भी क्या है, पेट्रोलियम भी कार्बन और हाइड्रोजन का मिक्सचर ही तो है, पेट्रोलियम भी क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन का मिक्सचर ही है, सही बात है कि नहीं है, बिल्कुल। तो अधिकतर आपके जो फ्यूल होते हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन के क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं। जैसे कोयला होता है वो भी आपके किसका मिक्सचर होता है, कार्बन और हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है, उन्हीं से वो बनता है, सही बात है कि नहीं है। अरे बिल्कुल सही बात है, कोयले में कार्बन होता है, आप बहुत अच्छे से जानते हो, बिल्कुल क्लियर है। अब देखो ये तो एक आपकी एक्स्ट्रा स्लाइड हो गई, अब हम एक्चुअल में पावर प्लांट्स को पढ़ना शुरू करते हैं। ये है आपके पावर प्लांट्स, पावर प्लांट एनर्जी को प्रोड्यूस करना है। सर कितने तरह के होते हैं, तो पावर प्लांट कई तरह के हो सकते हैं, थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट। प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे ज्यादा जो पावर प्लांट यूज में लिया जाता है वो कौन सा होता है आपका, थर्मल पावर प्लांट। कितना यूज में लिया जाता है, अप्रोक्सीमेटली 70%। उसके बाद में दूसरे कौन से आते हैं, हाइड्रो, ये कितने हैं, अप्रोक्सीमेटली 20%। फिर आ जाते हैं आपके न्यूक्लियर, ये कितने हैं, ये है अप्रोक्सीमेटली 7%। अब देखो हम इसको भी पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, हम इसको भी पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं और हम इसको भी पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मतलब हम तीनों पावर प्लांट्स को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, हम पहले थर्मल को पढ़ेंगे, फिर हाइड्रो को पढ़ेंगे, फिर हम न्यूक्लियर को पढ़ेंगे, तीनों को पढ़ेंगे एक एक, क्लियर है नहीं है। और भी आपके कौन से हो सकते हैं, गैसेज हो सकते हैं, डीजल के हो सकते हैं, सोलर के हो सकते हैं, विंड के हो सकते हैं, टिडल के हो सकते हैं, क्लियर है नहीं है। ये अप्रोक्सीमेटली कितना है, 3% है। मतलब ऐसे पावर प्लांट आपके प्रैक्टिकल लाइफ में अभी तक बहुत कम है, लेकिन अब कोयले की कमी होने की वजह से आपके सोलर के ऊपर और विंड के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है।